मैं कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर रिसेंटली एक प्रोफेसर का मेरे पास कॉल आता है। मैं कई जगह सेमिनार लेता हूं, तो ये जानते थे मेरे को। इन्होंने कहा, अमन मेरे बच्चे का जेईई मेन में ये रैंकिंग आ रही है, बताओ मैं किस कॉलेज के अंदर एडमिशन कराऊं। तो मैंने कहा, सर आपका स्वयं का जो कॉलेज है वही बहुत बेहतरीन है, आप उसी के अंदर एडमिशन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैं अपने ही कॉलेज के अंदर नहीं करा सकता, क्योंकि पिछले आप जिस टाइम में जानते थे जब आप आए थे उस टाइम से अब में बहुत बदलाव हो गया है। सीटें बढ़ाने के चक्कर में कंप्यूटर साइंस की पहले 2 ब्रांच हुआ करती थी, अब 6-7 ब्रांच स्पेशलाइजेशन के माध्यम से आ चुकी हैं। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, और इसकी वजह से अभी कंपनियां तो क्या है, पुराना जो लेगेसी थी उसके बेसिस पे आई जा रही है, पर 3-4 साल में उन्हें भी पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज हो चुका है। तो ऐसे में वो अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ आपको इंटरनेट गूगल पे क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं रखना, यह भी ध्यान रखना है कि ऑन ग्राउंड जाके आप प्रोफेसर से बात करें, 4th ईयर 3rd ईयर सीनियर से बात करें, ये देखें कि भाई कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाई के साथ साथ और कितना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसा एनवायरमेंट है, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना टाइम मिलता है, क्या पता आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काट जाए, 2 साल बाद आप उस पर कितना काम लगा सकते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए कितना समय मिल पाएगा। ये सब ऑन ग्राउंड जाके क्या अभी अपडेट्स है वो करंट अपडेट्स तभी पता चल पाते हैं।